और आज बहुत तगड़ी गेम खेलेंगे अपनी प्यारी बहन के साथ। तो ये गेम बड़ी खतरनाक है और दीदी अगर जीतेगी इतना मोटा इनाम आप जो बोल दोगे, जिस पे हाथ रख दोगे, बोलोगे सन्नी भाई ये टिकट या ये गोल्ड की चैन सब मिल जाएगी आपको, दीदी को मिलेगा। अगर दीदी ये गेम जीत गई दीदी को मिलेगा आईफोन। 35 सेकंड का टाइम है और ये नो कैंडल बुझानी है। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा जो आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। ये देखो भाई किस तरीके से बोतल घुमाएगा। पूरे भारत में ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। ये देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। मेरे सामने नो कैंडल रखी हुई है और आज बहुत तगड़ी गेम खेलेंगे अपनी प्यारी बहन के साथ, दीदी के साथ। दीदी कैसे हो आप? बढ़िया। रेडी हो? आप हो तो बहुत खुश। रेडी हो? रेडी। क्या बात है। तो ये गेम बड़ी खतरनाक है और दीदी अगर जीतेगी, वैसे तो चांस कम लग रहे, जीतेगी नहीं हार जाएगी अभी पता। अरे दीदी ये मत करो यार, पहले ऐसे हार को उठा लेते हो आप। दोस्तों ये गेम ना गोवा के अंदर खेली जा रही है। देखो शानदार जगह, शानदार लोकेशन और भारत की सबसे प्यारी जगह गोवा की, ठीक है ना। और हम कहाँ पे खड़े? हाँ लिलीपुट कैफे में हम खड़े हैं। खाना वाना दीदी सब बताऊंगा और जनता को क्या मिलने वाला है इस कैफे के अंदर और क्या तहलका जनता मचाने वाली सब बताऊंगा वीडियो के एंड में। हाँ तो दोस्तों पहले नजारा देख लो आप। इस नजारे में हम गेम खिला रहे हैं गोवा के अंदर, मस्ती कर रहे हैं, आपको एक तगड़ी एक वीडियो दे रहे हैं, एक ऐसी मस्ती दे रहे हैं कि जो आप वीडियो को देखोगे स्किप नहीं करोगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है दीदी जीत जाएगी? शायद ना। हाँ दोस्तों ऐसी गेम गोवा के अंदर आपका तहलका भाई खेल सकता है। दिल्ली में भी यूनिक आइडियाज़ मेरे हैं, तहलका आइडियाज़ मेरे हैं और दीदी मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है और गेम बड़ी मज़ेदार है। अभी इनको गुस्सा आ रहा होगा कि मैं गुस्सा ख़त्म कैसे करूं। तो दीदी को हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड का टाइम। नहीं थोड़ा सा टाइम। नहीं दीदी नहीं, चलो फिर आपके लिए मेरी 26 सेकंड। थोड़ा सा 27 सेकंड। 40 सेकंड। नहीं दीदी 30 सेकंड इनफ है। नहीं थर्टी 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 फाइव। ओके डन। नहीं दीदी नहीं 30 30 30 30 30 बंद कर दो। 30 बंद कर दो। तू आग मत लगा ठीक है। 35। नहीं दीदी आपकी नहीं चलेगी, गेम खिलाने वाला मैं हूँ। सुनो इतना मोटा इनाम आप जो बोल दोगे, जिस पे हाथ रख दोगे, बोलोगे सन्नी भाई ये टिकट या ये गोल्ड की चैन सब मिल जाएगी आपको। अच्छा डन। तो आप क्या क्या दे सकते हैं ये बताइए। मैं दीदी आप ये बताओ इनाम में क्या चाहिए वो दे दूंगा मैं। और बताओ। दुबई का ट्रिप? नहीं बॉम्बे का टिकट? नहीं नहीं गाड़ी तो है ही, गाड़ी में क्या ही करेंगे। शॉपिंग का? शॉपिंग तो कर ही लिया। डायमंड वैसे ही बहुत सारे हैं। डायमंड नहीं, डायमंड नहीं। तू बता क्या होना चाहिए। प्राइवेट जेट चलाना? जल्दी बताओ दीदी लेट हो रहा है। भैया 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 आईफोन। डन हो गया, डन हो गया। दीदी को मिलेगा अगर दीदी ये गेम जीत गई दीदी को मिलेगा आईफोन। और मैं देने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ और तहलका बहुत तगड़ा मच गया है। अब देखते हैं जी, अब टाइम आपके पास 30 सेकंड का है। 30 नहीं दीदी आपको मेरी कसम है, ये मत करो आपने। नहीं जो देखो इतना, नहीं नहीं इतना, नहीं नहीं इतना, इतनी इतना मोटा गेम। नहीं नहीं मैं भाई जी, हाँ जी आईफोन तोहफे में दे रहा हूँ तो टाइमर भी मैं सेट करूंगा। आपका टाइमर होना चाहिए। भाई जी नमस्ते, कैसे हो आप? गुड चलिए भाई। यार मैं अपनी दीदी को गेम खिला रहा हूँ और दीदी को मैं इनाम भी दे रहा हूँ लाखों का, तो मेरी चलेगी ना? मैं ही गेम खिला रहा हूँ, मेरी चलेगी। टाइमिंग चलेगी। टाइमिंग भी मैं दूंगा। श्योर। टाइमिंग वो बढ़ा रही है, बढ़ानी तो चाहिए नहीं, टाइमिंग मैं डिसाइड करूंगा। सही बात है ना, रूल तो वही होना चाहिए। रूल वही होना चाहिए। डन हो गया। अजय भाई ने बोल दिया, मेरे प्यारे भाई ने बोल दिया। भाई सन्नी भाई 30 सेकंड। नहीं नहीं दीदी नहीं, खाना बहुत अच्छा है। हाँ रूल मेरा बस भैया, आपकी जगह इतनी अच्छी है ना, जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं 35 सेकंड करवा दो भैया। भाई हो आप? चलो भाई कर दो। चलो डन हो गया मेरे भाई जी, भाई ने बोल दिया। चलो डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। अजय भैया की जय। चलो चलो टाइमर स्टार्ट करो, चीटिंग मत करना। टाइमर स्टार्ट करो, चीटिंग मत करना। कर लो फिर आप। 35 सेकंड, 35 सेकंड का टाइम है और ये नो, सुनो ये नो कैंडल बुझानी है। डन ठीक है। अच्छा एक बात और पूछ रहे हैं, अगर सपोज मैं ये नहीं कर पाई तो क्या मुझे भी आपको आईफोन लेके देना है? नहीं मैं छोटा सा नाम ले लूंगा अपना। डन हो गया, डन हो गया। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। हट जा, ये तो 5 सेकंड में हो गया। ओ तेरी तो यार, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आईफोन। ओ भाई साहब 15 सेकंड। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जॉय नेल्स की जय, तहलका भैया की जय, लिलीपुट की जय। जय भैया पैसे
दीदी आईफोन आईफोन आपको 7 दिन में मिल जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 7 दिन बाद मैं ऑर्डर कर दूंगा अमेज़न से। ठीक है, डन हो गया। सारे देख लो कि 7 दिन में मिलना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, 1 TB का होना चाहिए, 14 Pro Max जो भी होता है। डन हो गया। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम गोवा के एक ऐसे कैफे में जहाँ पर बहुत तगड़ा तहलका, दुनिया आती है तहलका मचाती है, इंजॉय करती है। सबसे प्यारी जगह, सबसे प्यारी लोकेशन है। यहाँ के हेड से, यहाँ के मैनेजर से जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है और दुनिया यहाँ पे क्या जिंदगी जीती है। भाई ये बताओ ये कैफे किधर है? ये कैफे भाई नॉर्थ अंजुना में है। अच्छा, नॉर्थ गोवा साउथ अंजुना। अच्छा, तो भाई जी यहाँ पे फैमिली भी आती है, बच्चे सब? फैमिली बच्चे सब आते हैं और दिन में हमारे यहाँ पूरा भरा रहता है। बीच साइड व्यू है हमारे पास और लोग बीच पे बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, खाना एंजॉय करते हैं। हमारे पास हर तरीके का कुजीन है, इंडियन है, चाइनीज है। भाई जी मैं देख रहा हूँ ये लोकेशन ही बहुत प्यारी है। लोकेशन का तो सर सारा पैसा तो लोकेशन का ही है ना। आप देखो उस तरफ, अभी तो रात है, समुद्र दिखेगा नहीं आपको। और भैया यहाँ पे सारी वो बनाना राइड्स वगैरह सारी। और हमारे पास क्या है ना, अभी तो ऑफ सीजन है, पर सीजन के टाइम में सारे सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं आपके पास ही होते हैं? हाँ, सब हमारा ही है। उसमें बनाना राइड होती है, जेट स्की होती है, पैराग्लाइडिंग और वो सब जो होता है, वो सब सारा, वो सब सब होता है। जो मतलब जो जो वाटर स्पोर्ट गोवा में होते हैं सब हमारे पास है। क्या बात है यार, और किसी के पास नहीं। मतलब बंदे को कहीं नहीं जाना, होटल बुक करना है, सीधा खाना खाने के लिए यहाँ पर आना है और वाटर स्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे आना है। सीजन में रूम ही देते हैं। अच्छा, अपने पास होटल, अपने पास आओ पार्टी करो खेलो अपने पास। हमारे पास अभी तो 10-12 रूम से, बट हमारा और चल रहा है। नहीं नहीं दीदी एक मिनट, यहाँ पे रूम भी है, यहाँ पे ये कैफे भी है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी है, तो रह गया क्या? और क्या जाना है फिर? कहीं जाना कहाँ है फिर? आओ पार्टी करो, खाना खाओ, दिन में अच्छा व्यू देखो। अरे आपका कैफे भी है, आपके होटल रूम भी है, सारी चीज़ें हैं। दिन में मसाज वाले भी होते हैं, अपनी थकान भी वो करवाते हैं। ओए चलो यार, एक बात बताओ मेरे को आप, ये इतना तगड़ा कैफे है, यहाँ पर मैंने कल एक भाई देखा था जो बोतल को घुमा रहा था, वो मिलवाना एक बार उससे यार, मेरे को उसका टैलेंट देखना। दोस्तों मैं आपको ऐसा टैलेंट दिखाने जा रहा हूँ जो आप देख के दंग रह जाओगे। आपने ऐसा टैलेंट पूरे भारत में कहीं नहीं देखा होगा जो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये देखो भाई किस तरीके से बोतल घुमाएगा, पूरे भारत में ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। ये देखिए आप, भाई जी कौन है भाई? ये संतोष है। संतोष भाई नमस्ते, हमारा बारटेंडर है। ये आपको फ्लिप करके भाई जी, आप ऐसी ऐसी बोतलें घुमाते हो सर के ऊपर से हाथों के नीचे से, ये टैलेंट कैसे आप इतना ना, ये कैसे पता लगा कितना टैलेंट आपके अंदर? पता नहीं लगा सर, प्रैक्टिस करने करके दिखाना भाई जी एक बार। दोस्तों देखो दंग रह जाओगे देखकर आप। ओ माय गॉड, अरे तो भाई जी वो अंदर से जो घुमाते ऐसे पीछे पीछे से, वो करो ना जो कल घुमा रहे थे पीछे से, घुमा रहे थे ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, वो करो ना दूसरी बोतल से। हाँ करो। अच्छा जी। ओ भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, ओ तेरी ओ तेरी। ओ भाई अंदर डाल दी। अच्छा जी। अरे भाई वो दीदी देखना, ओ भाई साहब, ओए होए, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। तो ठीक है दोस्तों, लिलीपुट नीचे एड्रेस आ रहा, लोकेशन आ रही, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर किसी का देना भाई जी। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे भैया, डाल देंगे, दे देना मेरे को आप। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना, और ऐसे टैलेंटेड भाइयों को ना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आना है तो इनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी वीडियो वायरल हो नहीं पाती, लोग इनको देख नहीं पाते। तो इस टैलेंट को आपको उठाना, आपको आपके फूफा जी की कसम है, भुआ की कसम है, मौसा जी की कसम है, नाना जी की कसम है, नानी जी की कसम है, सही है। तहलका बताता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। लिलीपुट कैफे, जय हो। दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाएगा।